आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी कितनी आधुनिक थी, जिसको आज पूरी दुनिया मानती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी भी सभ्यता के विकास की दर को बताती है कि कोई सभ्यता कितनी एडवांस है, और हमें इस बात पर गर्व होता है कि हम एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं कि हम इस बदलती हुई तकनीकी दुनिया के साक्षी हैं। हमने 20वीं और 21वीं सदी में तकनीकी गाड़ी को रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए देखा है। करीब 200 साल पहले घोड़ा गाड़ी से सफर करने वाला इंसान आज बुलेट ट्रेन और हवाई जहाजों में यात्रा कर रहा है। 20वीं सदी इंसानी सभ्यता के विकास की कड़ी में एक महत्वपूर्ण सदी मानी जाती है, क्योंकि 20वीं सदी में ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक बनने की नींव रखी गई थी। 20वीं सदी में बहुत सी वैज्ञानिक खोजें हुई, नई नई टेक्नोलॉजी के आविष्कार हुए, इंसान इतने आधुनिक बन गए कि वह चांद पर ही पहुंच गए। 20वीं सदी से ही लोगों की अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि जागी और हबल जैसे टेलीस्कोप लॉन्च किए गए और पायोनियर और वॉयेजर जैसे महत्वपूर्ण मिशंस को अंजाम दिया गया। अगर हम धरती के गर्भ में छिपे प्राचीन इतिहास को खोदकर देखें तो हमारे सामने ऐसे रहस्य निकल कर आते हैं जो हमारे इतने आधुनिक होने पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। आज भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन आपको ये जानकर गर्व होगा कि एक समय पर भारत वाकई में विश्व गुरु ही था। जैसी टेक्नोलॉजी प्राचीन भारत में पाई जाती थी, वैसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती थी। हम मिस्र के पिरामिड का जिक्र करते हैं, ईस्टर द्वीप की मूर्तियों का जिक्र करते हैं, स्टोनहेंज का जिक्र करते हैं, एंटीकेत्रा मैकेनिज्म का जिक्र करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी टेक्नोलॉजी अपने समय से बेहद आधुनिक थी। लेकिन तथ्यों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे ज्यादा आधुनिक थी। ऐसा लगता है कि 21वीं सदी के हम इंसान आज जो टेक्नोलॉजी बनाने में जुटे हुए हैं, वैसी टेक्नोलॉजी तो प्राचीन भारत के लोग बहुत पहले ही बना चुके थे। आज हम प्राचीन भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी को जानने वाले हैं, जो आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। अब से 120 साल पहले हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था और इंसानों ने पहली बार हवा में उड़ना सीखा, लेकिन हमारी प्राचीन किताबों में विमानों का जिक्र होता है जो हवा में उड़ते थे, और प्राचीन किताबों में विमानों का जिक्र एयरप्लेन के आविष्कार से भी हजारों साल पहले किया जा चुका था। आज हम टेलीपोर्टेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन किताबें बताती हैं कि प्राचीन समय में लोग इस तकनीक को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वैसे तो प्राचीन भारत के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे फेमस कथा है वह है महाभारत की। महाभारत में कई योद्धाओं का जिक्र होता है जिनके पास तरह तरह के हथियार थे, जिन्हें हम अस्त्र कहते हैं। वह अपने अस्त्रों की सहायता से आग जला सकते थे, बारिश कर सकते थे, तेज तूफान ला सकते थे। लेकिन महाभारत का जो सबसे खतरनाक अस्त्र था वह था ब्रह्मास्त्र। इस अस्त्र में पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत थी, इसीलिए वो लोग ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से बचते थे, जिस तरह आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनका इस्तेमाल करने से हम बचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या तबाही मचा सकते हैं। महाभारत में एक कैरेक्टर था संजय, जिसने महाभारत के युद्ध को लाइव देखा था। जिस तरह से आज हम क्रिकेट मैच को टीवी पर लाइव देखते हैं, अब दुर्भाग्य की बात तो ये है कि अपने प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों को लोग स्वीकार करने से कतराते हैं और वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि विदेशी लोग जो तकनीक इन्वेंट कर रहे हैं वो भारत की ही देन है। मेडिकल साइंस के फील्ड में हम सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में सर्जरी हजारों साल पहले भी की जा रही थी। विश्वास नहीं होता तो मेडिकल की प्राचीन किताब सुश्रुत संहिता को पढ़कर देख सकते हैं। आज हम जानते हैं कि एटम के बारे में विदेशी वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बताया था, लेकिन महर्षि कर्णाद ने एटम के छोटे छोटे भागों का जिक्र बहुत पहले ही कर दिया था। महर्षि कर्णाद ने कहा था कि परमाणु तत्वों की ऐसी छोटी अविभाज्य इकाई है जिसमें इस तत्व के समस्त गुण उपस्थित होते हैं, अपितु उसको परमाणु नाम महर्षि कर्णाद ने ही दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक प्रकार के दो परमाणु संयुक्त होकर द्यु अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। दुनिया को गणित भारत ने सिखाया, विज्ञान भारत में सिखाया, लेकिन हम भारतीयों ने अपनी प्राचीन किताबों से क्या सीखा? आज विदेशी वैज्ञानिक भारत की प्राचीन किताबों को डिकोड करके भारत की प्राचीन टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ने प्राचीन भारत की संस्कृत में लिखी उन प्राचीन किताबों को पढ़ा है तो उसको यह आधुनिक हथियार कुछ नया नहीं लगेगा। आपको बता दें कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था तो वहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन फैल गया कि जो लोग इस हथियार की चपेट में नहीं भी आए थे वह भी रेडिएशन से तो नहीं बच पाए। रेडिएशन ने वहां के लोगों के डीएनए स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया और आज भी वहां के लोग विकृतियों के साथ पैदा होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 20,000 सालों के बाद किसी सभ्यता का रेडिएशन को ट्रेस करें तो
ये बड़ी आसानी से कह सकेंगे कि यहाँ पर कभी न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। मतलब जहाँ की धरती में आज रेडिएशन होगा, वहाँ की धरती पर कभी न कभी न्यूक्लियर दुर्घटना जरूर हुई होगी। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस बात को ऐसे ही नहीं बोला था कि प्राचीन भारत की संस्कृत में लिखी प्राचीन किताबों में विध्वंसक हथियारों का जिक्र होता है, बल्कि विध्वंसक हथियारों के ब्लास्ट होने के सबूत भारत की धरती पर देखे भी जा सकते हैं। आज भी भारत में कई जगह ऐसी है जहां पर रेडिएशन मौजूद है, जो इस ओर इशारा करती है कि कभी प्राचीन भारत के लोगों के पास न्यूक्लियर पावर हुआ करती थी। वैसे तो भारत में बहुत सी ऐसी साइट है जहां पर रेडिएशन पाया जाता है, लेकिन हम शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी आधुनिक थी। उनका रहन सहन, व्यापार, उनके घर और शहरों का निर्माण बहुत ही सुव्यवस्थित था। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इतनी एडवांस सभ्यता विलुप्त कैसे हो गई। इंडस वैली में एक ऐसा प्राचीन शहर है जहां पर बहुत से इंसानी कंकाल भी मिले हैं। इस वजह से इसे मुर्दों का घर यानी मोहनजोदारो भी कहा जाता है। मोहनजोदारो में जो कंकाल मिले उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनकी मौत अचानक से हुई थी, जिसका उनको अंदाजा भी नहीं था। कुछ कंकाल तो ऐसे भी थे जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, मानो वो रास्ते में हाथ पकड़कर टहल रहे हो और अचानक से मौत उन पर हावी हो गई हो, या उनको पता हो कि मौत उनका पीछा कर रही है और वो मौत से बचते बचते एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे भाग रहे हो और उनको मौत ने दबोच लिया हो। मोहनजोदारो के आसपास और भी जो प्राचीन शहर मिले थे वहाँ का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सिंधु घाटी में मौजूद ये शहर रातों रात तबाह कैसे हो गई, कैसे इस शहर के लोग रातों रात मौत के घाट उतर गए। अगर वैज्ञानिक खोजों की बात करें तो यहाँ पर रेडिएशन लेवल की रीडिंग कुछ ज़्यादा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जगह पर रेडिएशन लेवल एक्सपेक्टेशन से भी 10 गुना अधिक है। जब वैज्ञानिकों ने दशकों तक मोहनजोदारो के आसपास के एरिया को स्टडी किया तो उन्हें वहां पर एक बड़ा गड्ढा मिला, जिसको देखने पर ऐसा लगा मानो वो किसी भयानक ब्लास्ट से बना हो। वैज्ञानिकों ने जब उस गड्ढे पर रिसर्च की तो पाया कि वो गड्ढा किस एस्टेरॉयड इत्यादि के टकराने से तो नहीं बना, क्योंकि वहां उन्हें किसी भी आकाशीय चट्टान के टकराने के कोई भी ट्रेस नहीं मिले। तो हो सकता है कि किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से वो गड्ढा बना हो। पुरातत्व वेदों को मोहनजोदारो में ग्रीन ग्लास के बहुत ज्यादा मात्रा में सैंपल से मिले। जब वैज्ञानिकों ने उन पर रिसर्च की तो पाया कि ये गिलास 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हजारों साल पहले बनी थी। इस तरह के गिलास तब बनते हैं जब किसी ब्लास्ट में धूल फायरबॉल के साथ ऊपर जाती है, वो इतनी गर्म हो जाती है कि लिक्विड में बदल जाती है और फिर ऊपर से लिक्विड की फॉर्म में बरसती है और इससे ट्रिनिटाइट ग्लास का निर्माण होता है। ये कुछ ऐसे सबूत है जो इस ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन समय में भारत में न्यूक्लियर वॉर हुआ था, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन विलुप्त हो गई। हालांकि कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने का कारण इंडस रिवर में बाढ़ का आना था, लेकिन सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता। भारत में मुंबई के पास एक बड़ा गड्ढा है जिसे लोनार क्रेटर कहा जाता है। ये गड्ढा 2 किलोमीटर चौड़ा है। इस गड्ढे के आसपास काले पत्थर के सैंपल मिले हैं। इस तरह के काले पत्थर हाई टेम्परेचर की वजह से बनते हैं, जो आमतौर पर ज्वालामुखी के पास पाए जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पर कोई भी वोल्केनो मौजूद नहीं है और ना ही वहां पर कभी कोई वोल्केनो अरप्शन हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने उस एरिया की छानबीन की, हो सकता है कि यहां पर किसी एस्ट्रॉइड या मीटियोरॉइड के सैंपल मिले, तो वो भी नहीं मिले। इस आधार पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि प्राचीन समय में ये घटना न्यूक्लियर ब्लास्ट से बना होगा। ऐसा माना जाता है कि लोनार क्रेटर आज से करीब 50,000 साल पहले बना था, तो चांसेस है कि इतने लंबे समय में वहां से रेडिएशन खत्म हो गया होगा। वैज्ञानिकों ने राजस्थान के जोधपुर से 10 मील पश्चिम में एक डिस्कवरी की। जब वहां पर खुदाई की गई, जमीन के नीचे एक ऐसी लेयर मिली जो हाईली रेडियोएक्टिव डस्ट और राख के सर्कुलर पैटर्न से बनी थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह का पैटर्न किसी तेज न्यूक्लियर विस्फोट के समय बनता है और वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन भी पाया गया। इस तरह के फैक्ट्स ये बताते हैं कि प्राचीन भारत के लोग टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस थे और न्यूक्लियर वेपन्स का आविष्कार तो उन्होंने बहुत पहले ही कर लिया था। भारत के लंबे इतिहास को प्राचीन संस्कृत की किताबें बयां करती हैं और भारत में प्राचीन किताबों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। इन किताबों में प्राचीन भारत के बारे में बहुत ही गहराई से बताया गया है कि वो लोग कौन थे, वो कैसे रहते थे। इन प्राचीन किताबों में प्राचीन भारत की बेशुमार टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है और इन किताबों को पढ़ने के बाद ऐसा भी लगता है कि प्राचीन भारत में टेक्नोलॉजी आज से भी कई गुना ज्यादा एडवांस रही होगी। लेकिन हम लोग अपनी ही प्राचीन किताबों पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। आपको बता दें कि आज भी बहुत सी संस्कृत में लिखी प्राचीन किताबें ऐसी हैं जिनको क्रिप्टोग्राफर डिकोड करने में लगे हैं। ना जाने उन किताबों में प्राचीन समय के बारे में क्या क्या लिखा है।
हालांकि उस समय आज की तरह लिखने के लिए पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि वे लोग भोजपत्र पर लिखा करते थे। बहुत से ऐसे टेक्स्ट भी हैं जिनकी लिखावट मिट चुकी है, वो टेक्स्ट क्या बताना चाहते थे ये कभी पता नहीं चल पाएगा। और भारत पर बार बार विदेशी लुटेरों ने आक्रमण कर भारत को तो लूटा, साथ ही साथ भारत की प्राचीन संस्कृति को भी क्षति पहुंचाई और भारत की प्राचीन लिपियों को जलाया भी, जिनमें बेसुमार ज्ञान का भंडार छुपा हुआ था जो हमारी विज्ञान की गति को और रफ्तार दे सकता था। अफसोस की दुनिया से वो बहुमूल्य ज्ञान आग की लपटों के साथ विलुप्त हो गया। इतिहास गवाह है कि शुरू से ही बाहरी लोगों ने भारतीय संस्कृति को मिटाने की कोशिश की है। एक समय पर भारत में ज्ञान की गंगा बहा करती थी। भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध और विज्ञान को समझने वाले थे। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था और विदेशी लुटेरे सिर्फ भारत को ही लूटने क्यों आते थे, किसी और देश को क्यों नहीं लूटते थे? जवाब सीधा है, चोरी उसी घर में होती है जिस घर में धन होता है, और धन उसी घर में वास करता है जिस घर में ज्ञान और विज्ञान होता है, और भारत हमेशा से ही ज्ञान और विज्ञान का धनी रहा है। बदकिस्मती तो हमारी ही है कि हम भारत की उस अमूल्य धरोहर को संभाल ही नहीं पाए और आज हम भारतीय संस्कृति को जानने की बजाय वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में जुटे हुए हैं। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हमारी प्राचीन सभ्यता इतनी आधुनिक थी तो फिर हम आगे तक सर्वाइव क्यों नहीं कर पाए? तो इसका जवाब भी बड़ा सीधा है। ग्रेट फिल्टर थ्योरी के अनुसार कोई भी सभ्यता जितनी ज्यादा एडवांस होती जाती है वो उतनी ही ज्यादा विलुप्त की कगार पर पहुंचती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि ग्रेट फिल्टर की वजह से वह सभ्यता या तो आपस में युद्ध लड़कर या नेचुरल डिजास्टर के चलते विलुप्त हो जाती है। शायद ग्रेट फिल्टर की वजह से ही आज तक हम परग्रहियों से नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।